स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल दर्पण ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुभुज के अंतर कोण और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल आसान और इजी तरीके से समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमने आकृतियां ले रखी है, त्रिभुज वर्ग या आयत, जैसे पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, जितनी भी आकृतियां होती है उनके सभी अंतर कोणों का योग और बाह्य कोण का योग कैसे निकाला जाता है। तो आपको अंतर कोण निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, n माइनस 2 इंटू 180। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सभी अंतर कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। ये बात कर लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर एक दो तीन भुजाएं हैं, n की जगह हम तीन रखेंगे, तीन में से दो बटाएंगे और 180 से गुणा कर लेंगे। तीन में से दो बटाए यानी एक, और एक को 180 से गुणा करेंगे यानी 180। तो हम बात कर ले त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। उसी प्रकार बात करें आयत और वर्ग की, आयत वर्ग चतुर्भुज जो भी चार भुजाओं वाली आकृति है उसमें चार कोण बनेंगे, तो इसमें हम एन की जगह कितना रखेंगे, चार भुजाएं हैं यानी कि चार माइनस दो इंटू में 180। चार में से दो गया, दो इंटू 180, 180 से 2 को गुणा करेंगे 360, यानी कि इसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360। बहुत इजी है, अंतर कोण निकालने के लिए बस आपको n माइनस 2 इंटू 180 जो है याद रखना है। अब जो है हम जो है पांच भुजाओं वाली एक आकृति लेंगे, उसके अंदर जो है किस प्रकार से अंतर कोण निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक पंचभुज है, पंचभुज यानी पांच भुजाओं वाली आकृति, इसके अंदर पांच कोण बन रहे हैं। अब इन पांचों कोणों का योग क्या होगा, तो फॉर्मूला भी n माइनस 2 इंटू 180। n यानी कि भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं, पांच, माइनस 2 इंटू 180, पांच में से दो बटाया, तीन इंटू 180, तीन को 180 से गुणा करेंगे 540। तो बस इसके पांचों कोणों का योग कितना हो गया 540। बहुत ही आसान तरीका, कहने का मतलब n माइनस 2 इंटू 180 आपको याद रखना है। ऐसे षटभुज यानी छह भुजाओं वाली आकृति होगी तो n की जगह छह रखना है, सात भुजाओं वाली आकृति तो सात रखना है। अब बात कर लेते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है और इस प्रकार से देते कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसके सभी अंतर कोणों का योग 540 है, ऐसा दे दिया आपको कि सभी अंतर कोणों का योग 540 है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास होता है n माइनस 2 इंटू 180, ये होता है अंतर कोण निकालने का सूत्र। अगर इसमें हम n का भाग दे दें, n का भाग दे दें तो प्रत्येक अंतर कोण आ जाएगा, और प्रत्येक अंतर कोण जितना अंतर कोण होता है प्रत्येक वो कितनी बार आता है, पांच बार में, तो प्रत्येक अंतर कोण निकालने का ये सूत्र हो जाएगा। जैसे कुल अंतर कोण 540 है तो उसमें कितनी भुजाएं हैं, पांच, तो पांच का भाग दे देंगे, पांच अपन पांच और जीरो, पांच अट्ठे 40, यानी कि अगर बात करें इसका प्रत्येक अंतर कोण कितना होगा तो 108 डिग्री का होगा। 540 में पांच का भाग दिया, 108 डिग्री, प्रत्येक अंतर कोण कितना हो गया 108 डिग्री। तो आप ऐसे प्रत्येक अंतर कोण भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या का भाग देंगे। अब जैसे कुल अंतर कोण 540 डिग्री है तो उसमें पांच का भाग दे दो तो 108 डिग्री जो है, प्रत्येक अंतर कोण कितने कितने डिग्री का हो गया, 108 डिग्री का। अब अगर आपको जो है प्रत्येक अंतर कोण अगर आपको दे दे कि 108 डिग्री का है तो ऐसा कौन सा बहुभुज होगा, तो उसको आप जो है किस प्रकार निकालेंगे। मान लो आपको दे दिया कि प्रत्येक अंतर कोण 108 डिग्री का है, क्या है ये प्रत्येक अंतर कोण, तो बताओ कितने भुजाओं वाली आकृति होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, कितने भुजाओं वाली आकृति होगी, तो प्रत्येक अंतर कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो n माइनस 2 इंटू 180 होता है, बटाओ में क्या लिखते हैं हम n, क्योंकि प्रत्येक अंतर कोण दे रखा, बराबर में आपको 180 करना है, n जब 180 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 से गुणा, इधर 180 का अंदर गुणा करोगे तो 180 n, 180 का माइनस 2 से किया माइनस के 360, और उधर n जाकर 180 से गुणा होगा यानी कि 180 n, कितना हो जाएगा 180 n हो जाएगा। अब 180 n हो गया, 108 दे रखा ना प्रत्येक अंतर कोण, तो 108 n हो जाएगा, सॉरी मैंने 180 ले लिया, 108 n, 108 को लाओ इधर
और 360 को ले जाओ उधर, 108 इधर आए, तो माइनस के हो जाएंगे 108, 180 एन में से माइनस के हो गए 108 एन, और माइनस के 360 बराबर के उधर जाके किसके बन गए, प्लस के 360, 180 में से 108 घटा देंगे, कितना बचेगा 72 एन बराबर 360, और जब एन बराबर हम करेंगे तो एन बराबर करेंगे तो 360 में 72 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है देखिए, तीन के पार से काट देते, तीन कम तीन, तीन दूनी छः यानी जीरो, और तीन दूनी छः और तीन चौक बारह यानी 24, अब 24 के आधे 12, इसके आधे कितने हो जाएंगे 60, 12 पंजो 60 यानी कितना गया 5, तो वो आकृति जो है पांच भुजा वाली होगी यानी पंचभुज होगी, यानी जिसका प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है आप भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। बात कर लेते हैं बाएं कोण की, वैसे चाहे कितनी भी भुजाओं वाली आकृति हो, प्रत्येक आकृति का बाह्य कोण जो है वो हमेशा ही 360 डिग्री का होता है। जैसे बात कर लेते त्रिभुज, त्रिभुज में तीन बाह्य कोण है, इन तीनों का प्लस हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो तीन का भाग दे देंगे भुजाओं की संख्या का, तीन एकम तीन, तीन दो छह और जीरो, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री का है। तो आपको कुछ नहीं करना, हर एक आकृति चाहे आप आयत ले लो, चाहे पंचभुज ले लो, चाहे वर्ग ले लो, चाहे कोई सी भी आकृति ले लो, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा से ही 360 होता है। अब प्रत्येक निकालना है तो इसमें चार भुजाएं, चार का भाग दे दो, चार के पाड़े में 36 आते हैं, चार में 36, 9 और 0, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आ गया 90 डिग्री, इसमें प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आ गया 120 डिग्री, जबकि बाह्य कोणों का योग हमेशा से ही 360 डिग्री होता है। बस ये था किसी भी बहुपद के अंतर्कोण और बाह्य कोण निकालने का तरीका। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।